जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। शादी के एक दिन पहले युवती बनी लुटेरी, थाने में नशीली दवा मिलाकर जेवर और कैश लेकर भागी, चार लोग अस्पताल में भर्ती। जिले के बिना के खिमलासा थाना अंतर्गत मुहासा गांव में शादी के एक दिन पहले भोजन में नशीली पदार्थ डाल सोना और पैसा ले भागी युवती। दरअसल आपने लुटेरी दुल्हन के किस्से तो कई सुने होंगे, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही परिवार के सदस्यों के लिए खाना में नशीला पदार्थ खिलाकर पैसे और जेवरात से भागी युवती। जानकारी के अनुसार खिमलासा अंतर्गत थाना मुहासा ग्राम के रम्मा सेन बेटे की शादी के लिए इनायतपुर निवासी राजू पटेल ने उड़ीसा निवासी एक युवती से उसके परिवार को पैसे देकर शादी करवाने की बात तय हुई थी। वहीं बिना से लड़की को लेकर वह अपने गांव पहुंच गए और दूसरे दिन शादी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले रात में ही लड़की ने चावल बनाया और उसमें नशीले पदार्थ डाल दी, जिससे सभी बेहोश हो गए। इसके बाद युवती घर में रखे पैसे व कुछ जेवरात लेकर भाग गई। परिवार के चार सदस्य रम्मा सेन, पिता दयाराम सेन 50 वर्ष, मीरा सेन 48 वर्ष, विक्की 13 वर्ष और मोनिका 17 वर्ष शासकीय अस्पताल में भर्ती हैं। खिमलासा थाना प्रभारी अरविंद सिंह ठाकुर का कहना है, परिवार के सदस्य अभी बेहोशी की हालत में हैं, स्वस्थ होने के बाद बयान लेकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।